कहता है ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिया हुआ ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड सर्कुलर पाथ की रेडियस दिया हुआ है। चलो एक चार्ज पार्टिकल है ड्यूट्रॉन, अगर मैं आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मान लो वट एवर जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, वही रेडियस उसी रेडियस में प्रोटॉन को मूव करा रहे हैं इन द सेम प्लेन सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो हम सबको पता है रेडियस की जो वैल्यू होती है वो एम बी ओवर क्यू बी होती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो ये उसकी रेडियस होती है। अब एम बी क्या है, मोमेंटम अपॉन क्यू बी, और मोमेंटम जो होता है 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ई के अंडर रूट के इक्वल होता है, दैट इज द क्यू बी। हमें काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में रिलेशन निकालना है, क्योंकि नहीं हमें काइनेटिक एनर्जी रेडियस सेम है मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या है। ड्यूट्रॉन जो अगर ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन पे अगर प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पे मास एम है चार्ज क्यू है, तो ड्यूट्रॉन पे मास 2m होता है और चार्ज क्यू ही होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है वो मतलब चार्ज सभी पे सेम है, रेडियस भी सेम है, मास और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आर का स्क्वायर कर दूं तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है चार्ज के स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, चार्ज भी दोनों पे सेम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यहाँ से इस रिलेशन से ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। ठीक है, बाकी सारे सभी इन सभी सिचुएशन में सेम है। मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन विल इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है 2m, मास ऑफ प्रोटॉन से हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 50 यहाँ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट मास में करें मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फाइनली ये जो है 100 वोल्ट मतलब हम लोग का डी ऑप्शन सही है।